सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी देखा आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर लेना, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको प्लस पे क्लिक करना, सॉरी प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक ऐसे एक इफेक्ट और एक है बीट मर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आना तो आप मेरे हाउ टू डाउनलोड माई मेटेरियल्स वाला वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है? तो आप देख लेना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीट मर प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है? इसको आप जैसे ओपन करोगे देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और आगे में कुछ इस तरह से बीट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपली आपको यहाँ आना है स्टार्टिंग पे, ठीक है? और यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको अपने कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? आप जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप अपने फोटो पे क्लिक करना, सिंपली डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, ठीक है? फिर नेक्स्ट बीट पे आना, इस इमेज को यहाँ से ट्रिम कर देना, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, फिर आप कोई दूसरा इमेज को ले लेना, ठीक है? थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। तो फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, कोई दूसरा इमेज को ले लेना, ठीक है? तो गाइस, इस तरह से आपको जो है एक एक करके आपको अपने इमेजेस को सिलेक्ट करना, ठीक है? इमेज को लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, कोई दूसरा आप इमेज ले लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको अपने एक एक इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है वन बाय वन करके, ठीक है? फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आपको यहाँ पर अपने इमेजेस को ऐड करना है। तो इस तरह से आप अपने सारे इमेजेस को जो है एक एक करके पूरा एंड तक ऐड करना, ठीक है? फिर आपको अपने कोई दूसरा इमेज को लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, और आपको अपने कोई दूसरा इमेज को ले लेना, ठीक है? थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, नेक्स्ट बीट पे आके ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको अपने एक एक करके इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर पूरा एंड तक आपको इस तरह से आपको बीट के हिसाब से आपको अपने सारे इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आप अपने सारे इमेजेस को सबसे पहले पूरा एंड तक ऐड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं हमारा सभी इमेज जो है कुछ इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है? तो आपको भी कुछ इस तरह से आपको अपने इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है? करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, और आपको चले जाना है अपने बीट सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, ठीक है? और वो क्या करना है, जो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेजेस पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना, ठीक है? फिर आपको सिंपली बैक आना है, आपको अपने बीट वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, और यहाँ से क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग में आना है, ठीक है? और यहाँ से इस इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना, ठीक है? फिर नेक्स्ट इमेज को यहाँ पर छोड़ देना, फिर यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, ठीक है? तो गाइस, वन बाय वन करके आपको यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है? इस तरह से एक एक करके आप अपने सारे इफेक्ट को पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना, ठीक है? तो गाइस, आपको फिर एक इमेज को छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो एक एक करके आपको जो है पूरा एंड तक आपको अपने इमेजेस में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, ठीक है? इस तरह से आप पेस्ट कर लेना, ठीक है? पूरा एंड तक आप कर लेना एक एक करके। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, और आपको चले जाना है अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे, और सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है? करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है, और आपको बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना है, और अब आपको क्या करना है कि आपको जो इमेज हमने छोड़ दिया था वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, ठीक है? फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर जो इमेज में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो गाइस, एक एक करके जितना हमने छोड़ा था इमेज को आपको देख लेना, वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, ठीक है? तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इमेजेस में इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो आप जो है पूरा एंड तक इस तरह से अपने सारे इमेजेस में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। तो गाइस, काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया पूरा डिटेल, ठीक है? इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, और आपको अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, और यहाँ से किसी भी लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ से सब लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी फाइव लेयर्स कर देना, ठीक है? फिर बैक आना, बीट वाले प्रोजेक्ट पे जाना, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट फाइव लेयर कर देना, ठीक है? उसके बाद आपको पूरा एंड तक आना है, और यहाँ से फिर पांच लेयर को सिलेक्ट कर लेना इस तरह से, और एंड तक ले आना, ठीक है? उसके बाद आपके फोटो में काफ़ी अच्छा जो है इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, कलर ग्रेडिंग। इतना करने के बाद आपका एडिटिंग जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो जिस तरह से बताया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के।
उसके बाद आपको क्या करना होगा, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, जो भी क्वालिटी रखना चाहते हो रख लेना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।